फतेह उल्लाहपुर भमुआ निवासी अजीत कटियार 30 वर्षीय पुत्र सुखचरण कटियार मंगलवार रात अपने मक्का के खेत की सिंचाई करने गया था और वहीं खेत के पास बनी मचान पर सो गया। सुबह किसी ने सोते समय ही अजीत की कनपट्टी पर गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने सुबह 4 बजे फायर की आवाज सुनी तब घटना स्थल की ओर दौड़े, वहां खून से लथपथ अजीत का शव मिला। आलोक कुमार सिंह, ये कौन सा गाँव है आपका? फतेह उल्लाहपुर। क्या घटना घटी आपके भाई साहब? भाई गोली मार दी। ये कब की घटना, कैसे गोली मारी गई? सुबह समथिंग 3:30-4 बजे के बीच में। वो 3 बजे घर से आए, 4 बजे यहाँ लेटे, उसी तरह में। ये किसके द्वारा मारी गई? कुछ इसका कोई पता नहीं। नहीं तो आपके भाई डेली यहाँ लेटते थे क्या? नहीं नहीं, कभी आते थे, काम वाम होता था, पानी लग रहा है खेतों में, पानी लग रहा था तो सुबह सुबह नहीं तो पुरानी जंजीर लग रहा है। क्या लग रहा है आपको इसमें? पता लगे तो पता नहीं। नहीं तो आपके भाई यहाँ क्या करने आए सुबह? पानी लगवाने खेतों में। खेतों में आए थे तो आप लोग कैसी जानकारी हुई? ये हमारे लेबर ब्लड देखा जब उधर आए तब उन लोगों ने सूचना दी। तो सूचना दी। कितने भाई थे ये? हम 2 भाई। इनकी शादी हो गई थी? नहीं। इनका क्या नाम है इनका? अजीत सिंह कटियार। अजीत सिंह कटियार। हर न्यूज के लिए फरुखाबाद से तौफीक फारूक।